से एक ही गिनते जाए। हमारी बहन की जान गई, उसको फांसी की सजा होना, उसकी अच्छे से कार्रवाई करें। अवेसी साहब, अकबर साहब, जो कुछ कोई भी हमारी आवाज़ सुन रहे, हमारी बहन को इंसाफ दिलाइए। ये हैदराबाद में रोज़ का हो गया, ये कब तक होएगा? क्या हम लोग जिएंगे नहीं? औरत बची, कितने बार हम लोग ही मरेंगे? रोज़ हम न्यूज़ देखते थे, आज हमारे घर में हो गया, हम कब तक देखेंगे? कुछ करिए, ये बंद कर जाइए। रोज़ बच्चियों को मार देते, फांसियाँ दे देते, फिर छूट जाते वो लोग। हल हो गया 16 जनवरी को, 6 साल हुआ। 6 साल में कई बार उनके हस्बैंड उनको मारे तोड़े, हम लोग कंप्लेन भी कराए कई बार। फिर जैसमा वो लोग कब तक बिठा के रखते, ऐसा नहीं करते वैसा नहीं करते बोल के पुलिस वाले समझा समझा के भेजते गए बच्ची को। परसों ही 3 महीने पहले बच्ची को इतना मारे, जबी भी बहुत बुरी तरीके से मारे, उसकी वीडियो भी है हमारे पास। बच्ची चल भी नहीं पा रही थी। अपना कंप्लेन करे थे जब? जी करे थे कंप्लेन का, वो भी हमारे पास है। तो क्या करे थे पुलिस वाले, एक्शन क्या लिए थे? एक्शन कुछ भी नहीं लिए, उसको समझा के धमका के भेज दिए। बोले क्या काउंसलिंग कितने बार हुए? हम ये 3री बार है ये रिपोर्ट करके, महिला मंडल में भी गए। अब तक केस बुक नहीं करे थे उनके? नहीं, 2 करे फांसी ले लिए, उन्होंने मर गए बोल के रख दिए फोन। आप लोगों को कौन करे फोन? मोहम्मद गौस, हमारी बहन का हस्बैंड। क्या काम करते थे? उन्होंने जो मिला वो कर लेते थे, तकरीबन उन्होंने बेकार ही रहते थे। उन्होंने बस हमारे घर से हमारे बाबा के पास से पैसा लेके आओ, पैसा लेके आओ, और यहाँ से लेके भी जाते थे। लॉकडाउन भर हमारे बाबा उनके घर में राशन पानी डाले, सब कुछ करे, लेकिन बच्ची का सोना चोरी कर लिए, हम लोगों के घर से पैसे चोरी करे, घड़ियां चोरी करे, बहुत सारे काम करे। हम लोग जान दो बच्ची है, उसकी जिंदगी चल रही बोल के हम लोग छोड़ते गए, फिर भी एक्शन लिए भी। अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं बोले। 2 दिन पहले हमारी परसों में बात हुई उनसे, 28 जनवरी को, अच्छे हंसी खुशी बात करे, उन्होंने कुछ भी नहीं बोले। कल बस एक दिन बात नहीं हुई थी, आज हम फोन करने वाले थे लेकिन हम नहीं करे। अभी थोड़ी देर पहले 8:30 फोन आया वहाँ से, ऐसा हो गया उन्होंने कर लिए बोल के। कौन से हॉस्पिटल भेजे उसको कुछ भी नहीं मालूम हमारे को। आप लोग उनको मौसूरी उस्मानिया हॉस्पिटल भेजे होंगे, आप लोग नहीं गए वहाँ पर? नहीं नहीं मालूम, हमारे भाई लोग भी गए वहाँ पर भी, उन लोगों को कुछ पता नहीं चला अभी तक। बहन की बॉडी को देखे? नहीं देखे, हमारे घर से ना जेंट्स देखे ना लेडीज देखे, हम वहाँ जाने के बावजूद भी हमारे को नहीं मिली हमारी बहन की बॉडी। हमारे को बिना बताए के हमारे को हमारी बहन को ले लेके चले गए, कहाँ डाले नहीं मालूम। आपकी बहन का सुसाइड होने के बाद में उनको हॉस्पिटल कौन लेके गए, वो भी नहीं मालूम हमारे को, कुछ भी नहीं मालूम। उनके ससुराल से कोई नहीं है वहाँ पर मौजूद, हमारे से बात करने के लिए वहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, सिर्फ बस्ती के लोग हैं वहाँ पर। रस्सी उनका दुपट्टा बना हुआ है और खाने की प्लेट रखी हुई है। एक हिंदू लेडीज हमारे से बोली, वो बच्चों को खाना खिला रही थी अम्मा, उसके हाथ पे भी खाना लगा हुआ था बोल के बोले। हम कुछ भी नहीं देखे। सास नंदों का सबका टॉर्चर था उनका, सास वगैरह घर में कोई भी नहीं, सो मौजूद है अभी तक भी है। उससे झूठा बयान देने लगा रहे, लगा मम्मी हैंगिंग कर लिए बोलो बोल के बोलने लगा है। तो पुलिस वालों के सामने वो बच्चे वॉइस बोले तो ना, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसको एज अ प्रूफ ले रहे हैं लोग कि वो बच्चा जो बोला वो बात सही है। हमारी बहन का हस्बैंड है, उन्हें कितना खराब आदमी है, कितना मारता तोड़ता, बच्चा 5 साल का है अभी। तो उनका बयान दे रहे पुलिस? हाँ, उनके बयान पे वो लोग चल रहे, वो बच्चा बोला, झूठ नहीं बोलता वो बच्चा बोल रहे हैं। पुलिस वाले बोल रहे हैं बच्चा झूठ नहीं बोलता कहते। हम बोले पिछली बार भी जो लड़ाई नवंबर में हुई थी, उन्होंने मार के भेजे थे बच्चे को, लेके जाके वहाँ पे काउंसलिंग में बोलने लगाए थे, वो डरा के करके बच्चे को बोले थे उनके पापा को मारते जेल में डाल देते तुम ऐसा ऐसा बोलो बोल के बोले थे। बच्चा 2 दिन बाद जब हमारे घर में आके रहने लगा तो बच्चा खुद अपने आप से बोला पापा ऐसा बोलने लगाए थे, पापा को जेल में डाल देते बोले थे तुम लोग, तो इसलिए पापा हम लोगों को ऐसा झूठ बोलने लगा, पापा मम्मी को ऐसा मारे, ऐसी आवाज़ निकाले, मम्मी इतनी जोर से मारे, सब बोला बच्चा बाद में। आज वो इस बच्चे के बयान को लेके लोग प्रूफ लेके चल रहे हैं।
अभी वो लोग बोल रहे हैं, उन्हें बोला मतलब हमारे को ऐसे मालूम हुआ, हमारे को उन्हें बोला मैं यहाँ नहीं था जब उन्होंने सुसाइड कर लिया, मेरे को बस्ती वाले बताए तो बस्ती अब पुलिस वाले बोल रहे हैं हमारे को बच्चे वहाँ पर अंदर ही मौजूद थे, बच्चों के सामने ही, घर में कौन कौन रहते थे? उनकी सास ननन मकानदार सब रहते थे भैया, छोटा सा घर है, कोई भी नहीं थे तो थे, अब हम लोग पहुंचने तक कोई नहीं थे वहां पर, थे अंदर बैठे हुए हैं हम लोग, पुकार हमारे रहे, सामने रहे, कोई नहीं आए, नहीं हम लोग के कैसा सामने। करी हमारी बहन, कहाँ भेजा हमारी बहन को, कोई कुछ नहीं बताया हमारे को, अभी तक भी नहीं मालूम नहीं हमारे को अभी तक भी नहीं मालूम। कंप्लेन कौन से पीएस में दिए? सरू नगर ही, मैलार देव पल्ली में गए थे, लेकिन वहाँ से बोले नहीं वहाँ सरू नगर का होता, वो सरू नगर को जॉब बोले तो सरू नगर को गए, वहाँ से कुछ एक्नॉलेजमेंट वगैरह दिया आप लोगों को? कंप्लेन हाँ एक पेपर दिए, कुछ स्टेशन में बैठे हुए हैं वहाँ पर, सिर्फ ये एक पेपर दिए, ये एक पेपर को पांच पांच बार लिखा है। अभी हम अभी अभी घर पे आए, हम 10 बजे गए थे, हम अभी अभी घर पे आए, अभी 4 बज रहे हैं, हम अभी घर पे आए, हमारे को ये दिए, हमारी बहन की कोई खबर नहीं दी हमारे को, वो कहाँ पर है, उसको उस्मानिया में रखे या गांधी में लेके गए या फिर कौन से फ्रीजर में रखे, हमारे को कुछ भी नहीं दिखाया, हमारे को कुछ भी डिटेल नहीं दिए, हम घर पे जाने के बावजूद भी उनकी बॉडी वहाँ पर नहीं थी, कौन लेके गए, कैसा वो कहाँ पर लटकी थी, कैसा लटकी थी, कौन उतारे उसको, हमारे को कुछ भी खबर नहीं है, हमारे को बिना बताए बिना बोले सिर्फ इतना बोले तुम्हारी बहन फांसी ले ली बस, हॉस्पिटल लेके गए सब पुलिस मौजूद थी कहते वहाँ पर, नहीं पता हमारे को, वो भी नहीं बोल रहे, बात करने तैयारी नहीं है वहाँ पे। थे 6 साल से जब से उनकी शादी हुई, वली में के दूसरे तीसरे दिन से ही उनको टॉर्चर हुआ, मारम पीटी हुई, सब कुछ हुई, लेकिन कभी उन्होंने अपनी उंगली भी नहीं काटे, कभी उनसे ऐसी वो थी नहीं उम्मीद उन्होंने कुछ कर लेते, ये अभी भी उन्होंने कुछ नहीं कर सकते। देखिए उनको 3 महीने पहले मारे, जब उनकी हालत ऐसी थी, ये हालत में घर पर आए थे, देखिए उनको बिल्कुल चलने नहीं आ रहा था, पुलिस वाले भी घर पर आए थे देखने के लिए, तो वो लोग बोले पहले बाद में केस करिए लेकिन पहले बच्ची को हॉस्पिटल लेके जाइए। तो अगर आप लोगों का बोलना है कि आपके बहन सुसाइड नहीं कर नहीं, सकते, नहीं नहीं कभी, बच्ची हमारी हाइट जितनी है और वो जो जितनी ऊंचाई पे वो लटका हुआ है उससे नहीं, हाइट बहुत ज्यादा है उनके छत की, उनकी हाइट इतनी नहीं है हमारी जितनी है, उन्होंने कितनी भी कोशिश, अगर कुर्सी भी रख के चढ़ेंगे तो उनके हाथ नहीं जाता, वो इतनी ऊपर है, हम खुद अपने आंखों से वो देख के आए, सिर्फ हमको देखने के लिए वही मिला और कुछ भी नहीं, वही एक सबूत था हम देखे सो, वो हमारी बहन का हाथ नहीं जा सकता, बहुत ज़्यादा टैंट मारी हुई थी, जेंट्स मारे जैसी लेडीज के जैसी नहीं थी।